गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.7 पर। 1.7 को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो, जैसे अपन को एक सेट ए दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है अपन को? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपन यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको किस में से माइनस करते हैं? यू में से, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। ये मैंने आप लोग के लिए फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। जैसे अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है अपन को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ए 2, 3, 4 ये कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सल सेट से ही सभी एलिमेंट लिए जाते हैं। बी 2, 4, 6, 8 ये भी कहाँ से लिए गए हैं? यूनिवर्सल सेट से। सी 3, 4, 5, 6 मतलब इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। देन फाइंड, अपन को क्या फाइंड करना है? ए डैश, ठीक है। तो ए डैश के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? ए डैश फर्स्ट सॉल्यूशन ए डैश, ठीक है। तो U माइनस ए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो अपन किस में सबट्रैक्ट करते हैं? U में से। U की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। माइनस सेट ए 2, 3, 4, ठीक है। सबट्रैक्ट करना, मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसमें जो एलिमेंट कॉमन रहते हैं उनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। तो क्या बचा? 1, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये क्या आ गया अपना? ए डैश, ठीक है, आ गया समझ। अब अपन क्या फाइंड करेंगे? बी डैश। तो बी डैश फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन? यू में से किसको सबट्रैक्ट करेंगे? बी को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, ये क्या फाइंड करना है अपन को? बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन बी डैश, फॉर्मूला क्या रहेगा? यू माइनस बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। एंड सेट बी की वैल्यू 2, 4, 6 और 8, ठीक है। मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं उनको क्या कर देते हैं? अपन एलिमिनेट कर देते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है? तो देखें 2, ठीक है, 4, 6 और 8, ठीक है। तो क्या बचा? 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। ये अपना क्या आ चुका है आंसर? बी डैश, ठीक है। अब थर्ड क्या है अपना? ये हो चुका है अब थर्ड, ये बी डैश का क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपन थर्ड पर। थर्ड में क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन सी, देन उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? उसका डैश। तो ए, सेट ए की वैल्यू कितनी है? तो देखिए लिखें गिवन में ए इज इक्वल टू, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में? 2, 3, 4, ठीक है। और सी सेट अपन को दिया ही हुआ है 3, 4, 5। इसका अपन को क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इंटरसेक्शन, देन डैश। तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसका डैश ही फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है देखें? 2 है नहीं 3 और 4, तो क्या क्या आ जाएंगे? 3 और 4, ठीक है। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। अब अपन इसका क्या फाइंड करना है? डैश। तो मैंने बताया था किसी भी चीज़ का अगर अपन को डैश फाइंड करना है तो उसको किस में सबट्रैक्ट करते हैं? यू में से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यू की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। नेगेटिव। ए इंटरसेक्शन सी कितना निकाला अपन ने? 3, 4, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, तो 3 से 3, 4 से 4, ठीक है। तो क्या बचा? 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9,
तो ये क्या फाइंड हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन सी का डैश। ठीक है, तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और उसके मैंने क्वेश्चन भी कराए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।